अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हम गालिब की गज़ल पढ़ रहे हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। इसके शुरू के चंद आशार की शरह और मुश्किल अल्फाज के माने हम आपको बतला चुके हैं। आज हम इसके अगले शेर से शुरू करते हैं। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है सिवाय लहू के, और लहू कहते हैं खून को। तो फरमाते वो ये हैं कि हम उस खून के कायल नहीं हैं जो रगों में दौड़ता फिरता है। हमारे नज़दीक तो जो लहू आँख से न टपके वो लहू क्या हुआ। आप गालिब के कई अशार में हमसे ये सुन चुके हैं और आपने ख़ुद भी पढ़ा होगा कि आशिक लोग ये कहते हैं कि इश्क में सिर्फ पानी के आंसू बहाना कोई माने नहीं रखता। यानी शुरू शुरू में जब महबूब की जुदाई होती है, उसका फिराक होता है, तन्हाई होती है, या महबूब आशिक की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, तो वो जो आंसू रोते हैं वो आम आंसू होते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि उनमें शिद्दत आ जाती है, उस रोने में शिद्दत आ जाती है, और वो आंसू खून के आंसू बहकर बनकर आँखों से बहने लगते हैं। तो वो कह यही रहे हैं कि हमारा अपने महबूब के फिराक में, उसकी जुदाई में वो हाल हो चुका है कि अब हमारी आँखों से जो आंसू बहते हैं उसको हम आंसू मानते ही नहीं हैं। आंसू ऐसे होना चाहिए कि इंसान की आँख से पानी की बजाय खून टपके। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि खून सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो रगों में दौड़ता फिरता है, हम उसे खून नहीं मानते। हम तो खून उसे मानते हैं जो कि आँख से टपके, और जो आँख से न टपका हम उसे लहू या खून मानते ही नहीं हैं। बहरहाल मिर्ज़ा गालिब का अपना ख्याल है। इसका अगला शेर है, वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज़, सिवाय बादाए गुलफाम व मुश्क बू क्या है। बहिश्त कहते हैं जन्नत को, और अजीज़ कहते हैं प्यारा होने को। बादाए गुलफाम कहते हैं सुर्ख शराब को, और मुश्कबू कहते हैं ऐसी चीज़ जिसमें से खुशबू आ रही हो। तो फरमाते ये हैं कि जन्नत में हमें बहुत सारी नेमतें मिलेंगी, हर किस्म के फलों और दूसरी नेमतों के अलावा दो चार किस्म की नहरों का ज़िक्र तो खुद कुरान मजीद में है। मसलन पानी की नहरें जो बिगड़ता नहीं है, दूध की नहरें जिसका मज़ा नहीं बदलता, साफ़ किए हुए शहद की नहरें, और शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए लज्जत का, मज़े का बाइस होंगी। तो मिर्ज़ा फरमाते हैं कि बहिश्त की आम नेमतों में से जिस नेमत की बदौलत बहिश्त हमें बहुत अजीज़ है, वो शराब के सिवा और क्या है। और शराब भी वो जो फूल की तरह सुर्ख हो और उससे मुश्क की लपटें आएँ, यानी उससे मुश्क की खुशबू फूट रही हो। अगला शेर देख लीजिए, पीऊँ शराब अगर हम भी देख लूँ दो चार, ये शीशा ओ कदा ओ कूजा ओ सुबू क्या है। हम का मतलब हम आपको पहले भी बतला चुके हैं, हम कहते हैं मटके को, और शीशा ओ कदा ये इन्होंने इसको अगर आप देख लें तो ये सुराही या प्याला इसके लिए कहा है। और ये जो दो लफ्ज़ और इस्तेमाल हुए हैं ये भी शराब पीने के बर्तन ही होते हैं। तो फरमाते ये हैं कि मैं शराब के दो चार मटके देख लूँ तो पीना शुरू करूँ। अब ये सुराही और प्याला और कूजा और सुबू ये मेरे सामने क्या हैसियत रख सकते हैं, क्या हैसियत रखते हैं। तो और कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि भाई इतनी थोड़ी सी शराब देखकर मेरे दिल में
पीने का शौक कैसे जोश मार सकता है। मतलब उनके कहने का ये है कि मैं एक ऐसा शराबी हूँ कि जिसकी शराब की प्यास ये छोटी छोटी चीज़ों और छोटे छोटे बर्तनों से नहीं मिट सकती। मुझे तो अगर आप शराब देना चाहते हैं तो मेरे सामने शराब के दो चार मटके रख दीजिए, मैं उन्हें देखूंगा तो फिर मुझे मेरे दिल में पीने का शौक़ पैदा होगा। अजीब शौक़ है मिर्ज़ा गालिब का। आइए इसका अगला शेर देखें। रही ना ताकत ए गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। ताकत ए गुफ्तार का मतलब है बोलने की ताकत। आरजू आप जानते हैं, हसरत को कहते हैं, अरमान को कहते हैं। ये शेर गालिबन मिर्ज़ा गालिब ने अपने आखिर ज़माने में कहा, जब वो बहुत बीमार हो गए थे और चलने फिरने से भी उनको तकलीफ़ होने लगी थी। खैर उस ज़माने में तो शायरी उन्होंने तकरीबन छोड़ ही दी थी, ये शायद उससे कुछ पहले का शेर हो। तो फरमाते हैं कि अव्वल तो हम कमज़ोरी की वजह से इस हालत को पहुँच गए कि बात करने की भी अब हमारे अंदर ताकत बाकी नहीं रही। ज़ाहिर है कि बात करने के लिए भी इंसान को उसके जिस्म में कुछ थोड़ी बहुत ताकत तो होना चाहिए, वरना वो बोल नहीं सकता। तो कहते हैं कि अगर हम कुछ कह भी सकते हों तो किस उम्मीद पर कहें कि हमारी क्या आरज़ू है। मतलब कहने का यह है कि हमारे महबूब ने उम्र भर हमारी बात ही नहीं पूछी, यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया और बोलना भी मुश्किल हो गया। तो कहते हैं कि अब अगर अव्वल तो हम बोल नहीं सकते, और चलिए मान लिया कि हम बोल भी सकते हैं तो अपने मतलब की बात अगर ज़बान पर लाएंगे तो इस बात की क्या उम्मीद है, अंग्रेज़ी में कह लीजिए कि क्या गारंटी है कि हमारा महबूब हमारी बात शौक़ से सुनेगा, तवज्जो से सुनेगा। तो लेकिन इसमें आप ये भी देखिए कि ज़ब्त का भी क्या आलम है कि आरजू ही आरजू में अपना काम तमाम कर लिया, यानी ताकत गुफ्तार तक बाकी नहीं रही मगर कभी ज़बान से ये शौक़ का हर्फ नहीं निकला। हाय नाउमीदी जिसने अर्ज़ मतलब का खून करके दिल की दिल ही में रहने दी। अब इसका आखिरी शेर है यानी इसका मक्ता, और ये काफ़ी मशहूर है, आपने कई मरतबा सुना होगा। बना है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इतराना आप जानते हैं कि शोखी से फख्र का इजहार करना, किसी बात पर फूलना। तो उन्होंने इसी को यानी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है अपने लिए। वगरना वही हम आपको कई मरतबा बतला चुके हैं कि ये वरना के लिए इस्तेमाल होता है, और आबरू कहते हैं इज्जत को। तो अपने आप से ही कह रहे हैं कि भाई गालिब जो है वो बादशाह का मसाहिब बन गया है, उनकी सोबत में उठने बैठने लगा है, और ये बड़ी इज्जत की बात है, और इस पर ही उसे ये इज्जत मिली है, तो वो उसके लिए इतराता फिरता है, वरना शहर में गालिब को पूछता कौन है। कहने का मतलब ये है कि ये शेर भी एक तरह से तंजिया कहा जा सकता है कि मिर्ज़ा गालिब देखिए अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे और शायर थे, और उनका कलाम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी उर्दू समझने वाले थे वहाँ पर हाथों हाथ लिया जाता था। तो उन्होंने एक तरह से इस शेर में ये गिला किया है कि उस वजह से तो हमारी इतनी इज्जत नहीं हुई, इतनी बात नहीं यानी पूछी गई, लेकिन जब से हम बादशाह के साथियों में शुमार होने लगे हैं, बादशाह के साथ उठते बैठते हैं, दरबार में हमें एक ख़ास मकाम मिल गया है, तो लोग हमारी इज्जत करने लगे हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है, गालिब ऐसे आदमी तो थे नहीं कि ज़रा सी उनको इज्जत मिल जाती तो वो इतराने लगते, ये शेर उन्होंने सिर्फ लोगों पर तंज के लिए नहीं एक तरह से कहा है कि भाई हमें हमारी इज्जत तो सिर्फ इसलिए कि हम बादशाह के दरबार में आते जाते हैं, बादशाह के दोस्तों में शुमार होते हैं, वरना हमें कौन पूछता है। यानी हमारा जो दूसरा हुनर है, शायरी है या हमारा इल्म है,
उसकी वजह से तो हमें कोई नहीं पूछता। लोग तो हमारी बात सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि हम बादशाह सलामत के साथ उठते बैठते हैं, हमारा उनसे कोई ख़ास ताल्लुक और वास्ता है। तो ख़वातीन हज़रात, ये इस गज़ल का दूसरा हिस्सा था जो हमने आज आपकी खिदमत में पेश किया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिर्ज़ा ग़ालिब की किसी और गज़ल के साथ किसी और महफिल में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।